मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि न्यूजीलैंड के हारने के बाद न्यूजीलैंड की टीम पक्का ये सोच रही होगी कि अपनी किस्मत खराब है या वक्त खराब है। यानी कि लगातार 4 T20 मैचेस हारने के बाद न्यूजीलैंड को तो चूल्हू भर पानी में तैर लेना चाहिए। क्यों किसी के बारे में गलत सोचना यार है। मैं अभी अभी जो है मोबाइल खोलकर गूगल में चेक कर रहा था कि यार कि जीती हुई जीता हुआ मैच कैसे हारते हैं, तो कौन सी टीम का नाम है पता है, न्यूजीलैंड का। यार मैं न्यूजीलैंड वालों को बस यही कहना चाहूँगा कि 5वां मैच हारने से पहले अच्छा है कि खेलो ही मत, वरना यार इज्जत का फालूदा होना है, अपने ही देश में जो है खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाना, यहाँ तक कि पुलिस की सुरक्षा भी देनी पड़ सकती है। एक तो यार ये न्यूजीलैंड वाले कसम से यार T20 का फॉर्मेट चेंज करवाएंगे यार, 21-21 ओवर का मैच यार हम लोगों का जो है BP बढ़ाने में क्या अच्छा लगता है क्या आपको। हेलो भाई नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैडी है और आप देख रहे हैं हॉलीवुड न्यूज़। कुछ भी शुरू करने से पहले हॉलीवुड न्यूज़ को जरूर जो है सब्सक्राइब करें YouTube पे। अच्छा तो आज के मैच की बात करते हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का 4th मैच। हम जैसे जो है कुछ लड़कों ने पहले छोड़ यार सीरीज तो इंडिया जीत गई है, मैच क्या देखना है, लेकिन यार मैं तो भाई सच्चा देशभक्त हूँ यार, मैं सारे मैच देखूंगा, तो मैंने देख लिया मैच। ओए होए होए होए, मतलब न्यूजीलैंड टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करती है। वैसे पूरे मैचेस में न्यूजीलैंड ने अगर कुछ जीता है तो टॉस। भाई साहब जब इंडिया बैटिंग कर रही 165 में 7 आउट यार, सिर्फ 165। मनीष पांडे के अलावा कोई नहीं चला, बाकी सब ग्राउंड पे हेलो हाई करने आए थे। हैं जब कसम से 88 रन पे 6 विकेट गिरे थे ना, तो बाय गॉड मज़ा सारा किरकिरा हो गया था। है एक तो संजू सैमसन, ऐसा प्लेयर संजू सैमसन हमारी टीम से कसम से यार, ये मात्र 3 या 4 गेंदे खेलता है, एक छक्का मारता है फिर निकल जाता है यार, उसके बाद जमकर ट्रोल हुए सोशल मीडिया पे, अपने विराट भाई भी नहीं चले यार। रोहित शर्मा तो था नहीं आज हमारा, यानी कि पूरा पूरा चांस था न्यूजीलैंड के पास, 165 रन नहीं बनते है। चलिए तो 165 रन पे 7 विकेट गिरे इंडिया के, एंड आप जैसे लोगों ने सोच लिया होगा मनी मन आज तो पक्का हारती है। मेरे बगल में बैठे चचा ने बोला क्या हो गया आज इंडिया को यार, लगातार 3 मैचेस जीतने के बाद ये क्या क्या स्कोर बना है। न्यूजीलैंड आई खेलने के लिए भाई साहब जोश जोश में, भाई साहब जब न्यूजीलैंड की कसम से 10 ओवर में लगभग 80 रन थे, 1 विकेट गिरा, मैंने कहा यार जीत गई न्यूजीलैंड जीत गई। मेरे चचा तो मतलब TV फोड़ने चले थे, हेलो मैं चचा पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान है रुको। लेकिन करते करते उसके बाद ऐसी पलटी मारी कि मज़ा आने लगा। लास्ट ओवर्स की अगर बात करें, 1 ओवर में चाहिए थे 7 रन, शार्दुल ठाकुर हमारा ओए होए होए पहली गेंद में विकेट, दूसरी गेंद में चौका, यानी कि यार न्यूजीलैंड वालों से 1 ओवर में 7 रन भी नहीं बन पाए। छोड़ो यार जब दूसरी गेंद में चौका लगा ना, तो मैंने कहा तो जीत गई, लेकिन उसके बाद सिंगल मिस सिंगल और उसके बाद टाई, अरे भगवान, मैंने कहा यार की ओलू बल देवता करोन बल। चलिए तो ये था मतलब मैच टाई हो गया। तो अब भाई सुपर ओवर की बात, हाँ मैं वेरी कॉन्फिडेंट है क्योंकि हमारे हिंदुस्तान ने इतने मैचेस नहीं खेले होंगे जितने सुपर ओवर खेले, वैसे भी हम तो यार गली मोहल्ले वाले हैं, हम तो 2-2 ओवर्स का मैच खेलते हैं तो फिर भी। चलिए भैया सुपर ओवर होता है शुरू, न्यूजीलैंड करने आती है बैटिंग, ओए होए 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 जोश जोश में तो ऐसे भाई साहब बैट्समैन कि मैंने कहा मार देंगे, मैंने कहा भाई साहब हेलो मारना तो 1 ओवर में 20 रन मारना, ये कम रन मत मारना, लेकिन 12 रन मार दिए। लेकिन जब हमारे साथ जो है हमारी टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए उतरी विराट कोहली के साथ, जब KL राहुल आए, भाई साहब KL राहुल ने पहली गेंद में छक्का मार के ना, मैंने कहा यार ये 2 गेंदों में लगातार, एक में छक्का एक में चौका, मैंने कहा आराम से खेलो यार पूरी गेंदें खेलो यार, मतलब इन टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को ना सिर्फ हराया, इसे कहते बेइज्जती करना, क्या बिगड़ा था यार न्यूजीलैंड वालों ने। यानी 2 ही गेंदों में पूरी एक्साइटमेंट ही मार डाली यार। लेकिन इसी के साथ इंडिया मैच जीत चुकी है, 2 गेंदों में शुरुआत में ही जो है पासा अपनी तरफ, और उसके बाद जो है KL राहुल चल दिए, उसके बाद विराट कोहली भाई साहब आए, जब फील्डर्स को लगा कि ये विराट कोहली है तो छक्का मारेगा, लेकिन अपना कोहली शाना दिल्ली के लोग होते ही ऐसे ही है, टुक किया 2 रन ले लिए, हाथों हाथों में गेंदबाज के हाथों हाथों में 2 रन ले लिए। अब जब गेंदबाजों का लगा कि यार ये बंदा ना अब सिंगल सिंगल लेगा, अगली बॉल में भी सिंगल लेगा, तो सारे आगे अंदर ही, यानी
बाउंड्री से हटके आ गए क्योंकि अपना कोहली शाना है, लेकिन कोहली ने फिर छक्का मार के सारी एक्साइटमेंट फिर से जो है यानी कि इंडिया की जीत जो है एक छक्के से हुई मजेदार। इसी के साथ टीम इंडिया मैच जीत चुकी है। बाकी मैंने कहा न्यूजीलैंड के अलूबल अभी तो वनडे भी छन टेस्ट मैच भी है, क्या होगा यार। बट डोंट वरी यार, क्योंकि आप वर्ल्ड की बेस्ट टीम से हारे हो, छोटा मत करना दिल यारो, ठीक है। चलिए इंडिया की जीत की मुबारक आप सभी को। अरे यार चाय चुए आज तो मिठाई सीधा पार्टी करते हैं यार, वैसे पार्टी मतलब चाय वाय की, ठीक है। पार्टी का नाम सुनते कुछ लोगों को ठेके की याद आती है, गलत बात है यार, ठीक है। चाय नमकीन खा के भी पार्टी हो सकती है। चलिए नमस्कार, लास्ट में हॉलीवुड न्यूज को जरूर यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे पेज में लाइक एंड फॉलो मेरी जान जरूर कीजिएगा। नमस्कार।